आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा गुनिया और सिरहा को मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के शहरी आवासहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के हितग्राही सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। और देशभर में गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर आज बिहार के जमुई में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनजातीय समुदायों का उत्थान और ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और समृद्ध आदिवासी विरासत और संस्कृति पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने दो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय और दो जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय समुदाय की विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पीएम जनमन और धरती आबा जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान शुरू किया है। देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन शुरू करने की घोषणा की। बिहार के जमुई में हुए इस कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में सीधा प्रसारण किया गया। प्रदेश के जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में राज्य के जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा गुनिया और सिरहा को मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनजातीय गांव में धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों, अखरा निर्माण विकास योजना शुरू करने और जनजातीय समुदाय के शहीदों की प्रतिमाएं चिन्हित स्थानों पर स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। बैगा सिरहा गुनिया पूरे प्रदेश में है और विशेषकर हमारे सरगुजा संभाग बस्तर संभाग में जो सरना में पूजा करते हैं और जगह पूजा करते हैं। तो मल्ला मैं प्रति वर्ष मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में 5,000 रूपया दे के घोषणा करत हूँ। और आदिवासी बाहुल गांव में आखरा होते गांव के बीच में एक जगह होते जहाँ गाँव के सारा धार्मिक मांगलिक सांस्कृतिक सामाजिक सब कार्यक्रम होते वहाँ हर तरह के नृत्य कर्मा सुवा डमकच कर्मा ये सब सारा नाच होते वहाँ। तो पूरे प्रदेश के ऐसे अखरा के हम निर्माण करबो।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के विभूतियों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य दल के कलाकारों द्वारा आदिवासी संस्कृतियों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और राज्यसभा सदस्य अरुण सिंह और विधायक भी उपस्थित थे। वहीं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। दंतेवाड़ा जिले के गीदम स्थित जावंगा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में विधायक किरण सिंह देव शामिल हुए। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने आज मुंगेली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के शहरी आवासहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के हितग्राही सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। विभाग के मुताबिक केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रथम चरण में आवासहीन हितग्राहियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे हितग्राही जिन्हें प्रथम चरण में आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है और जो अभी तक आवास की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें द्वितीय चरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हांकित किया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को आवास के लिए आवेदन की प्रक्रिया और आवास उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इस योजना के माध्यम से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी परिवारों को उनके पहले पक्के आवास के सपने को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति का विमोचन किया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से नई औद्योगिक विकास नीति की घोषणा की है। यह नीति बीते 1 नवंबर से लागू हो चुकी है। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सृजन करते हुए अगले 5 वर्षों में 5,00,000 रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इसमें 1,000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति रोजगार परक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रूपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दी जाएगी। यदि कोई उद्योग 1,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो उसे बी स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें मिलेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव को आज फोन कर यह भरोसा दिलाया है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह करने के उनके सपने आर्थिक तंगी के कारण नहीं रुकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन इस अभियान के लिए निशा यादव को जरूरी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और सरकार उसका यह सपना पूरा करेगी। इस अवसर पर निशा ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह करना चाहती है और उनका अंतिम लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की हर एक बेटी का सपना पूरा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने कोंडापल्ली गांव के पास माओवादियों द्वारा बनाए गए 2 स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने बताया कि कोंडापल्ली के नए कैंप से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान कोंडापल्ली गांव के पास माओवादियों द्वारा 30 और 20 फीट ऊंचे 2 स्मारक बनाए गए थे जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। सिखों के प्रथम गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गुरु नानक का जन्म नानकशाही कैलेंडर में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर कीर्तन निकाला गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के खालसा स्कूल में प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर गुरुद्वारा आए, वाहे गुरु जी सामने माथा टेके पूजा अर्चना किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए शुभकामनाएं।
वहीं आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नदियों में पवित्र स्नान कर भगवान शिव की आराधना की। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेले भी लगाए गए हैं। रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी के तट पर पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही महादेव घाट में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहां के प्राचीन हटकेश्वरनाथ शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महादेव घाट पहुंचकर श्री हटकेश्वर महादेव और मां काली के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने पवित्र महादेव घाट में कार्तिक स्नान के लिए जुटे श्रद्धालुओं को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह को केंद्र सरकार द्वारा गठित विद्युत मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदेश में विलुप्त हो रहे वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से आज नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में गिद्ध संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य कर रहे विशेषज्ञों और शोधार्थियों ने गिद्धों के संरक्षण को लेकर अपने अनुभव साझा किए। राजधानी रायपुर के सिलियारी स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर के मानक उच्चतम अंक यानी NQAS सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति के आह्वान पर प्रदेश के सभी आधार ऑपरेटर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 नवंबर से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। बलरामपुर जिले के ग्राम दहेजवार के बंद पड़े फ्लाई ईंट भट्टे के पास 3 नर कंकाल मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्तर ओलंपिक के अंतर्गत उसूर में विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कोरबा जिले के ग्राम अमझर में भालू के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में राज्यसभा के पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री गोपाल व्यास की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और रायपुर जिले में 24 केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश चौधरी ने सभी नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा, गुनिया और सिरहा को मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के शहरी आवासहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के हितग्राही सर्वेक्षण का शुभारंभ किया और देश भर में गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।